हाई वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी शाइनी। मेरे आज के इस लुक से आप लोगों को पता चल ही गया है कि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। वेडिंग सीजन इज़ ऑलरेडी हियर और वेडिंग सीजन में किस तरह का मेकअप करना चाहिए वो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपको किस तरह से वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट करना है, वो भी बहुत ही जल्दी और इतने अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स डॉटर अर्थ ब्रांड से इस्तेमाल किया है। उनके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। एंड इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड किया है। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं देन डू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है ये आप सबको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। तो चलिए अब देख लेते हैं इस सिंपल से वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यू ऑल कैन सी कि मेरा जो मेकअप है ना वो इतना ज़्यादा बैलेंस्ड है। मेरे आई लुक पर मैंने ज़्यादा इफ़र्ट नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। एंड इवेंचुअली अगर आपके घर में शादी है तो आपको भी टाइम नहीं मिलता है। बट माई लिपस्टिक इज़ सो बोल्ड रेड और रेड लिपस्टिक हमेशा काम करता है, स्पेशली ड्यूरिंग वेडिंग सीजन या विंटर सीजन के टाइम भी। तो रेड लिपस्टिक होने की वजह से मैंने अपने आई लुक को जो है वो बहुत ज़्यादा सटल रखा है टू बैलेंस आउट माई ओवरऑल लुक। एट द सेम टाइम मैंने एक्सेसराइज किया है अपने लुक को, जैसे मैंने बन बनाया है और बन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड उसके साथ मैंने यहाँ पर फ्लावर्स भी लगाया है, तो ये जो फ्लावर वाला जो हेयर स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। तो आपके पास अगर हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है तो आप इस तरीके से खुद से भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं, इट विल लुक सो अमेजिंग। आपको जस्ट लो बन बनाना है, हाई बन्स आजकल ट्रेंड में नहीं है, लो बन क्रिएट करना है। एंड उसके साथ आपको इस तरीके के फ्लावर के साथ एक्सेसराइज करना है, रियल फ्लावर्स चूज करना है, रियल फ्लावर से आपका लुक और इन्हांस होता है। एंड मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा रिंग भी पहना है। तो इस तरीके से आप अपने लुक को एक्सेसराइज कर सकते हैं, बट यू रियली नीड टू बैलेंस इट आउट। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक हेवी चोकर टाइप्स जोधा बाई नेकलेस पहना है और ये जो नेकलेस है ये काफ़ी हेवी है, तो इसी वजह से मैंने इयररिंग्स जो है वो इसके साथ नहीं पहना है टू बैलेंस आउट माई लुक, क्योंकि
अगर मैं बड़े बड़े ईयरिंग्स भी पहनती तो थोड़ा सा ओवर लगता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिप्स पर एक बोल्ड कलर अप्लाई किया है इसी वजह से। इसके साथ आप चाहते हैं तो मांग टीका भी पहन सकते हैं, बट मैंने मांग टीका के बजाय एक बिंदी ऐड की है। बिंदीज आर माई फेवरेट। मांग टीका के साथ बिंदी बिल्कुल भी नहीं जाता, आपको इधर मांग टीका पहनना है या फिर बिंदी। मैंने बिंदी सिलेक्ट किया है इसीलिए मैंने मांग टीका नहीं पहना है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप मांग टीका भी पहन सकते हैं। आपका जो लुक है वो बहुत रॉयल और काफ़ी एकदम ट्रेडिशनल लगता है। सो आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।